सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे स्टॉक्स को लेकर। जैसा कि यहां पर देखोगे भी IRFC है, ठीक है। IRFC के अंदर 5% प्लस तेजी, इरकॉन इंटरनेशनल 5% प्लस की तेजी, रेल विकास निगम लिमिटेड 5% की तेजी। आखिरकार क्या है पूरा मामला, क्यों इन शेयरों में तेजी बनी हुई है, ठीक है। आप लोग देखोगे आरविंदल में एक बड़ी खबर आई थी, कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला 239 करोड़ का। और उसके बाद आप लोग देखोगे भी स्टॉक बिल्कुल पॉजिटिव है, ओपनिंग हुई पॉजिटिव, उसके बाद स्टॉक में तेजी। उसके साथ साथ IRFC और इरकॉन इंटरनेशनल भी आप लोगों देखो एक जबरदस्त तेजी पर हमें दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज इन शेयरों में पीछे आपने देखा होगा भारी भरकम फॉल बना था, ठीक है। ये स्टॉक आप लोग 164 से टूटने से स्टार्ट किया, ऊपर आप लोग 164 प्लस के मूव स्टॉक ने दिखाई और वहाँ से ये स्टॉक 10% के ऊपर में गिरावट में आ गया था। अभी टाइम स्टॉक में आज फिर रिकवरी बनी है, 5% की तेजी बनी है। उसके बाद देखोगे भी इरकॉन इंटरनेशनल की अगर बात की जाए तो इरकॉन इंटरनेशनल भी आप लोग देखोगे आज हमें 6% के आसपास तेजी में दिखाई दे रहा है। बट पीछे जो स्टॉक है ये 270 के आसपास पहुँच गया था आई थिंक, वहाँ से स्टॉक भी 10-15% के आसपास फिसल चुका था। लेकिन अभी टाइम स्टॉक में रिकवरी, और ये रिकवरी क्यों बनी है, क्योंकि कल अमित शाह की तरफ से एक बड़ा बयान आया था। जी अमित शाह जी की तरफ से एक बड़ा बयान आया था मार्केट को लेकर। बयान क्या था, चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखो भाई मोटा मोटी बता देता हूं। उन्होंने कहा, एक तो पहले भी मार्केट को लेकर उनसे सवाल पूछे गए थे NDTV में कि भाई जो मार्केट में अभी के टाइम ये जो वॉलिटिलिटी है या फिर मार्केट में जो गिरावट बन रही है, इसको लेकर आपका क्या ख्याल है। उन्होंने कहा भी मार्केट में जो गिरावट है 4 जून तक है, ठीक है। 4 जून से पहले ये समझ लीजिए मौका है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, ये उनकी तरफ से अपडेट आया। क्यों, क्योंकि देखो जो स्थिर गवर्नमेंट है, जो स्टेबल गवर्नमेंट है, अभी टाइम जो गवर्नमेंट है वो फिर से सत्ता में आएगी तो उस कंडीशन में मार्केट हमेशा पॉजिटिव रहता है। पीछे भी इसका उदाहरण दिया था। तो इस सब को देखते हुए उन्होंने बोला है कि मार्केट में 4 जून से पहले बड़े मौके हैं इन्वेस्ट करने के। इसीलिए आप लोग देखोगे PSUs, खास तौर पर जो PSUs है उनमें ज़बरदस्त रैली बनी हुई है। यहाँ पर देख सकते हो, चाहे कोई सा भी स्टॉक हो भाई, ठीक, उधर देखोगे कोचिन शिपयार्ड, मजगांव, HCL, बेल, सभी शेयरों में भारी भरकम तेजी। और भी बहुत सारी कंपनियाँ PSU से जो बिलोंग करती हैं, NHPC, SJVN, NBCC, हुडको, इन सभी में भी काफ़ी शानदार पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा 4 जून से पहले मौका है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है NDA गवर्नमेंट वो फिर से फुल जो पूर्ण बहुमत है उसके साथ हम सत्ता में आ रहे हैं, उनका ये कहना है। और जैसे ये मार्केट में न्यूज़ आई उसके बाद कल से आप लोग देखो मार्केट के भी सेंटिमेंट चेंज हुए हमें देखने को मिल रही हैं। अगर मार्केट की बात की जाए तो आप लोग देखोगे निफ्टी में हमें जो ना अभी आज पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव आप लोग देखो 0.30% के करीब निफ्टी में तेजी। सेंसेक्स में भी आप लोग देखोगे सेम तेजी है, और उसके बाद निफ्टी बैंक में भी तेजी है। IT सेक्टर थोड़ा डाउन है, स्मॉल कैप में 1% के ऊपर में, मिड कैप में काफ़ी शानदार तेजी, स्मॉल कैप में काफ़ी शानदार वापसी हुई है स्मॉल कैप मिड कैप में। और कल के दिन भी आपने देखा होगा स्मॉल कैप भी नीचे से रिकवरी लिया और मिड कैप में 1.5 से 2% के आसपास की तेजी। तो स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में फिर से एक अच्छी बाइंग का ऑप्शन बन रहा है, और यही कारण रही है इन शेयरों में रैली के पीछे। और चांस है मार्केट में भी एक अच्छा उछाल बनेगा इस न्यूज़ के बाद। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखो ये वो न्यूज़ है अभी जिसके बाद जो स्टॉक है, जो मार्केट है, वो हमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रही है, आपके सामने है। अमित शाह ने रिसेंट दलाल स्ट्रीट फॉल, मार्केट विल शूट अप आफ्टर June 4, यानी 4 जून के बाद जो मार्केट है वो फिर से एक अच्छी खासी रैली दिखाएगा। ये अमित शाह जी की तरफ से आप लोग देखो कल के दिन बयानबाजी होते हुए नजर आई थी, और इसी का जो असर है वो हमें मार्केट के ऊपर भी और आप लोग देखोगे इन शेयरों के ऊपर, खासतौर पर जो PSUs है वहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप लोग वीडियो को पहुँच करके इसे डिटेल में पढ़ लेना भाई। तो ये खबर है, तो इसी वजह से आप लोग देखोगे रेलवे स्टॉक्स हो, चाहे वो आप लोग देखोगे भाई डिफेंस सेक्टर हो, सभी में काफ़ी शानदार तेजी है, पावर सेक्टर में भी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो पीछे गिरावट हुई थी उन सब में जो भी भाई फंसे हुए थे, गिरावट ऊपर से खरीदारी कर ली थी, पोजीशन थोड़ी हल्की रखनी थी, ठीक है, नीचे में मौके मिल रहे हैं खरीदारी के, नीचे में खरीदारी करनी चाहिए। मार्च की तरह बड़ा मौका बाजार आपको देगा। आज की इस तेजी को देखकर इतना भी उत्साहित नहीं होना है कि भी हाँ गदागद या फिर फटाफट से जो ना भी इन शेयरों में हमें एंट्री ले ले, बिल्कुल ये सोचना है, क्योंकि आज जो मार्केट का माहौल है उस एक बयान की वजह से कल के दिन प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। इसलिए अपनी पोजीशन हल्की रखो, अभी मार्केट को देखो स्टेबल होता है, वहां से मार्केट में एंट्री का बेस्ट मौका रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इन शेयरों के रिगार्डिंग, रेलवे के स्टॉक्स के रिगार्डिंग कोई भी खबर आपसे बिल्कुल ना मिस हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।